हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स इसके पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगी आपके साथ, जो कि जो मैंने कैरेक्टर्स पहले पढ़ाए थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स, उसका हैबिटेट। तो टेरिडोफाइट्स जो कि पहले भी मैंने बताया कि वो बाय स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो इनमें रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स द्वारा ही होता है। स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया में बनते हैं और स्पोरेंजिया आपके जिन लीव्स पर बनते हैं उनको स्पोरोफिल कहते हैं। तो स्पोरेंजिया मोस्टली लीव की वेंट्रल साइड पर प्रोड्यूस होते हैं आप कह सकते हैं, और वो लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं उनको स्पोरोफिल कहते हैं। बट जैसे यहाँ ओफियोग्लासम का डिस्क्राइब किया मैंने कि ओफियोग्लासम में फर्टाइल स्पाइक बियरिंग स्पोरेंजिया एराइज फ्रॉम एक्सिल ऑफ लीव, तो वहाँ पर लीव की एक्सिस पर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। और इसी तरह मार्सीलिया में भी स्पोरोफिल की जगह स्पोरोकार्प पाया जाता है। जैसा कि ये मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि एक्वेटिक फॉर्म्स यानी साल्विनिया और मार्सीलिया में जो स्पोरेंजिया हैं वो एक विशिष्ट प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि स्पोरोकार्प कहलाते हैं, और ये स्पोर्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होमोस्पोरस दूसरे हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस वे प्लांट्स होते हैं जिनमें से हेट्रोस्पोरस वे प्लांट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेप एंड साइज के, या आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, वो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट कहलाते हैं। और एग्जांपल है आपका सिलेजिनेला। होमोस्पोरस में देखिए, जैसा पहले भी मैंने बोला सिंगल एक टाइप का स्पोर होगा, तो यानी एक टाइप के ही स्पोरेंजिया पाए जाएंगे। जब एक टाइप का स्पोर होंगे तो एक ही टाइप के स्पोरेंजिया पाए जाएंगे, और मोस्टली स्पोर्स स्मॉल होते हैं, जबकि हेट्रोस्पोरस पे टू टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं यानी टू टाइप्स की स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। जो एक स्पोर होते हैं वो छोटे होते हैं, तो जो छोटे वाले होते हैं उनको माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, और वो माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं या आप कह सकते हो। और दूसरे जो लार्ज होते हैं यानी साइज में बड़े होते हैं वो मेगा स्पोर्स कहलाते हैं, और वो मेगा स्पोर्स मेगा स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ये लार्ज वाले मेगा स्पोरेंजियम हैं, ये मेगा स्पोरेंजियम जिन फिल्स पर पाए जाते हैं उनको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम जिन फिल्स पर पाए जाते हैं उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम सिलेजिनेला का जो आपका स्ट्रोबिला है उसका सेक्शन काटकर यह दिखाया गया है कि मेगा स्पोरेंजियम कुछ इस तरह का होता है, जिसपे मेगा स्पोर पाए जाते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं। अब जो ये स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप का और दूसरा होता है लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप का। तो यू स्पोरेंजिएट टाइप का जो होता है उसमें क्या होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट में इनिशियल सेल्स का जो ग्रुप होता है यानी ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स उससे डेवलप होगा जब स्पोरेंजिया, तो वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का। और जब सिंगल इनिशियल सेल से
स्पोरेंजिया डेवलप करेगा तो वो कहलाएगा लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट। और ये यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिख रहा है यू स्पोरेंजिया टाइप का स्पोरेंजियम है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये पूरा एक ग्रुप है जिससे सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, सॉरी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये यू स्पोरेंजिया टाइप का, जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल एक सेल से डेवलपमेंट होता है और वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। अब बात आती है स्पोरोफिल की, कि स्पोरोफिल किस तरह से पाए जाते हैं। तो सिंगल एक लीफ जिस पर स्पोरेंजिया पाया जाता है उसको तो स्पोरोफिल कहते हैं, बट जब वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है यानी जुड़कर एक समूह के रूप में होता है तो वो स्ट्रोबिलाई कहलाता है, जो कि स्टेम के एंड पर पाया जाता है। जैसा कि ये यहाँ देखिए इक्विसिटम का दिखाया जा रहा है, ये स्टेम के स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलेगा, बट जो टेरेस और रेडिएंटम है इनमें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो ट्रू फर्न्स होते हैं उनमें स्पोरेंजिया मोस्टली जो लीफ की लोअर सरफेस होती है उसमें क्लस्टर फॉर्म में यानी गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं और उनको सोराई कहते हैं। जैसा कि ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये लीफ है, इस पर ये जो एक लगा हुआ है तो वो पूरा एक ग्रुप है। तो इस तरह से ये पूरे एक 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 स्पोरेंजिया मिलकर इतना सारा ये ग्रुप जैसा बना ली और ये कहलाती है सोराई। अब आती है बात स्पोर्स की, कि स्पोर्स कैसे होते हैं। तो जो स्पोर्स होते हैं तो उनकी स्पोर वॉल थिक होती है और एग्जाइन और इंटाइन में डिफ्रेंशिएट होती है। इंटाइन होती है इनर वॉल जो कि स्मूथ होती है, और एग्जाइन जिस पे कुछ उभार टाइप के पाए जाते हैं और वो थिक भी होती है वो कहलाती है एग्जाइन। तो ये है आपकी एग्जाइन और ये अंदर वाली है इंटाइन। क्लियर। स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और ये जो स्पोर का डेवलपमेंट है वो भी स्पीसीज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे होमोस्पोरस जो स्पीसीज हैं उनमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक्सोस्पोरिक होगा, यानी गैमेटोफाइट हमेशा स्पोर वॉल के बाहर की ओर डेवलप करेगा, जबकि जो हेट्रोस्पोरस स्पीसीज हैं उनमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक होगा। एंडो मीन्स होता है अंदर, यानी जब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोर वॉल के अंदर होगा। और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों ही जो आपका प्लांट्स है टेरियोफिटिक प्लांट उसका एक उनका वो इंडिपेंडेंट पूरी जनरेशन है आप कह सकते हो, इसीलिए इसमें लाइफ साइकिल ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव लाइफ साइकिल ऑफ जनरेशन मीन्स एकांतरण क्रम जो कहा जाता है जीवन चक्र का, वो इसमें दिखाई देता है। जैसे प्लांट है स्पोरोफाइट, उसके स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ और गैमेटोफाइट से फिर जब उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, आगे मैं अभी बता रही हूँ, तो फिर उनका फ्यूज़न होगा यानी फर्टिलाइजेशन और उससे एम्ब्रियो बनेगा और देन फिर न्यू स्पोरोफाइट। इस तरह से लाइफ साइकिल पूरी चलती रहती है।
इन दोनों ही जनरेशन में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। गैमेटोफाइट अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो थैलस लाइक होती है, और होमोस्पोरस टाइप के जो प्रोथैलस होते हैं वो मोस्टली सिंपल ग्रीन और हार्ट शेप्ड होती हैं, और होमोस्पोरस स्पीसीज मोनोसियस होती हैं। मोनोसियस मींस होता है कि जबकि दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक मतलब प्लांट में या एक ही उसमें फ्लावर में जहाँ कहीं भी इस तरह का होगा कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक में है, तो उस तरह उस जगह मोनोसियस का वर्ड यूज़ किया जाएगा। जबकि जब दोनों अलग अलग प्लांट्स पर होंगे तो डायसियस वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मोनोसियस मीन्स यहाँ पर है कि एंथ्रीडिया यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आर्चिगोनिया यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही सेम थैलस पर बॉर्न करेंगे। अब जो हेट्रोस्पोरस टाइप्स होता है, तो हेट्रोस्पोरस टाइप्स में क्या होता है कि मोस्टली आपकी जो है वो डायोसियस होती है। जो हेट्रोस्पोरस है वो मोस्टली डायोसियस होती है। तो जो डायोसियस होगी मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया अलग गैमेटोफाइट पे, क्योंकि हेट्रोस्पोरस है तो स्वाभाविक सी बात है माइक्रोस्पोर्स जो हैं उसमें वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जर्मिनेट होकर, और जो मेगा स्पोर हैं वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर भी मेंशन है कि माइक्रोस्पोर्स गिव राइज वो इन प्रोथैलस पर धसे हुए या थोड़े उभरे हुए पाए जाते हैं। एंथ्रीडियम मोस्टली जो है वो क्या होता है स्टेराइल जैकेट द्वारा कवर्ड होता है। जैकेट से कवर्ड होने के कारण वो प्रोटेक्ट जैकेट का काम होता है प्रोटेक्शन करना, और जैकेट हमेशा सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड होने के कारण जब उसका डेहिसेंस होना होता है तो जैकेट के ही पास से वो कॉरिकुलम होता है जहाँ से वो रप्चर होकर एंथीरोजॉइट्स बाहर आ जाते हैं। अब एंथ्रीडियम में जो है वो कहा जा रहा है कि एंथ्रीडिया मोस्टली सेसाइल होते हैं और कभी कभी स्टॉक्ड होते हैं, मींस एंथ्रीडिया में छोटा सा स्टॉक पाया जाएगा। एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, और दो एपिकल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरली क्वाइल्ड में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर इसमें ये दो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मोस्टली टेरिडोफाइट के एंथीरोजॉइट्स का होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है जो कि है आपका आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया जो है वो नेक और वेंटर में डिफ्रेंशिएट होती है। नेक क्या होती है आर्चिगोनियम का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये कहलाती है नेक और ये कहलाता है वेंटर, ठीक। तो नेक जो है नेक में ये जो नेक सेल्स होती हैं इन यहाँ पर ये सेल्स होती हैं इनको नेक कैनाल सेल्स कहते हैं, जो कि डिग्रेड होकर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं। और ये म्यूसिलेजिनस जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है एंथीरोजॉइट्स को आर्चिगोनियम की ओर आकर्षित करता है। तो ये यहाँ पर ये जो जगह होती है ये इस जगह एंथीरोजॉइट्स अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, और फिर ये नेक से के थ्रू यहाँ वेंटर में जो एग प्रेजेंट होता है उसके साथ फ्यूज़न कर लेंगे। तो यहाँ पर
एक मेन पॉइंट ये भी ध्यान रखना है आपको कि टेरिडोफाइट पे जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी एंथीरोजॉइट और एग का जो फ्यूज़न होता है उसके लिए वाटर इसेंशियल होता है, और एग और एंथीरोजॉइट्स के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। मीन्स जाइगोट के बाद से फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो जाइगोट है वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट जब डिवाइड होगा तो वो बनाएगा एम्ब्रियो, और जो जाइगोट का पहला डिवीजन होता है वो एम्ब्रियो की पोलर्स के मीन्स जैसे कि सपोज करो ये जाइगोट है तो इस तरह से डिवीजन होगा। तो बेसल पोल जो होता है वो फूट और रूट बनाता है, जबकि एपिकल पोल शूट। शो करते हैं मॉर्फोलॉजिकली ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पष्ट दिखाते हैं, जिनमें से जब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो यानी डोमिनेंट फेज होगी स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों ही आपस में सेपरेट मींस अलग अलग होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसा यहाँ लाइफ साइकिल में मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये पूरा लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट की है, तो ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की मैंने यहाँ लाइफ साइकिल आपको शो की है। तो जैसे कि ये स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड कंडीशन का है, 2N है, तो इसमें माइक्रोस्पोरोफिल और ये है मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे और मेगा स्पोरोफिल पर मेगा स्पोरेंजियम पाए जाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जिनकी कंडीशन होती है हैप्लॉइड, और यहाँ पर मियोसिस द्वारा मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा जिनकी कंडीशन भी हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ तक की जो जनरेशन है ये आया आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब इसके बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जबकि मेगा स्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम बनता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम बनता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइट्स पाए जाते हैं जो कि संख्या में बहुत अधिक होते हैं, और आर्चिगोनियम में एग पाए। जाइगोट बनता है। तो यहाँ तक की जो ये माइक्रोस्पोर से ये यहाँ एग तक की कंडीशन थी ये कहलाती है जनरेशन थी, ये कहलाती गैमेटोफिटिक जनरेशन, जबकि इसके पहले ये स्पोरोफिटिक थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये जनरेशन है ये कहलाती गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो जब ये जाइगोट बना इसकी कंडीशन डिप्लॉयड हो गई, क्योंकि ये एक हैप्लॉयड एंथीरोजॉइट और एक हैप्लॉयड एग फ्यूज़ करके बनाया डिप्लॉयड जाइगोट, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, देन एम्ब्रियो से यंग स्पोरोफाइट का, और जो ये यंग स्पोरोफाइट बना इससे फाइनली स्पोरोफाइट बन गया। तो इस तरह से ये टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टील पढ़ाऊंगी।